नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के अंदर तबाही मचा रखी है। बिहार भी इससे छूटा नहीं है। बिहार में भी कोरोना की दूसरी लहर ने काफ़ी कुछ किया था। हालांकि लॉकडाउन लगाने के बाद स्थितियां जरूर काबू में आई थी। इस बीच चर्चा हो रही है तीसरी लहर की। जी हाँ, तीसरी लहर की लोग चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी बहुत ही जल्दी आने वाली है और इस पर जो तीसरी लहर आएगी उसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। तो हम बात करने बैठे हैं तीसरी लहर की। तीसरी लहर की एक खबर आई है सामने और ये तीसरी लहर जो आने की बात की जा रही है, ये संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर आ चुकी है। कहाँ की ये खबर है हम आपको बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे। बिहार में तीसरी लहर फिलहाल अभी नहीं आई है, इसलिए आप घबराइएगा मत। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान में जो खबरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि जो संभावना जताई जा रही है राजस्थान से कि तीसरी लहर का वहाँ प्रवेश हो चुका है। तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, कहीं दूसरी लहर, कहीं तीसरी लहर, कहीं चौथी लहर तक भी चल रही है। हालांकि तीसरी लहर जो बताया जा रहा है, पूरे देश भर की अगर बात करें तो राजस्थान में तीसरी लहर देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह से जो आशंका जताई जा रही थी कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर, तो वो देखने को मिल रहा है। राजस्थान से खबर है, राजस्थान के दो जिलों में 600 बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। संभलने की ज़रूरत है और अभी से ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है बिहार के लोगों को, इसलिए ये खबर भी बताना ज़रूरी है। राजस्थान में जो बताया जा रहा है कि दो जिलों में 600 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं, जिसके चलते ये अटकलें लग रही हैं कि राज्य में तीसरी लहर आ चुकी है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक राजस्थान के दौसा और डूंगरपुर, ये दो जिला है राजस्थान का, जहां पर 600 से ज़्यादा बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं, उनमें कोरोना जैसे लक्षण नजर आए हैं। यह जानकारी मिलने के बाद राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान राज्य में आपको याद होगा कि जब कोरोना का जब पहला फेज आया था, जब कोरोना पहली बार जब 2020 में आया था, तो उस वक्त भी राजस्थान में भारी तबाही मची थी कोरोना से। तो इस बार जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, तीसरी लहर की भी बात जो आ रही है और आशंका ये जताई जा रही है कि तीसरी लहर में जिस तरह से बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा कोरोना के वायरस से, तो राजस्थान से जो ये खबरें आ रही हैं डराने वाली हैं, क्योंकि 600 बच्चे दो जिलों में बीमार हैं और बताया जा रहा है उनमें जो लक्षण मिले हैं वो कोरोना के वायरस की तरह ही हैं, और इसे लेकर अब राजस्थान में हाहाकार मच गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर है, तो इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है, अलर्ट मोड में आया है। बताया जा रहा है कि दौसा के सिकराय उपखंड के एक गाँव की दो बच्चियाँ कोरोना जैसे लक्षणों से संक्रमित हैं। इन बच्चियों के पिता का निधन कोरोना संक्रमण के चलते हुआ था। माना जा रहा है कि पिता के बाद ये दोनों बच्चियां महामारी की चपेट में आ गई, और वही दौसा में 2 साल का एक बच्चा भी कोरोना संक्रमित मिला है। इस तरह से अगर आप आंकड़ा हम आपको बताएं तो 600 के लगभग बच्चे बीमार पड़े हुए हैं राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो अगर सिर्फ दौसा में 1 मई से 21 मई तक 18 साल के कम उम्र के 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उधर डूंगरपुर में भी, डूंगरपुर जिला है जो राजस्थान का, वहाँ पर बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। डूंगरपुर में 12 मई से 22 मई तक 255 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, और राजस्थान से ये जो खबरें आ रही हैं और जो तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण की बात की जा रही है वो सामने दिख रहा है। उम्मीद लगाया जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि संभवतः ये तीसरा लहर आया है क्या राजस्थान में, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है इस संबंध में कि बच्चे अपने माता पिता की वजह से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अभी तक ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिनमें वही बच्चे संक्रमित हुए हैं जिनके अभिभावक महामारी की चपेट में आ चुके थे। हालांकि एक अन्य अधिकारी की अगर माने तो उनका कहना है कि पिछले 10 दिन में 250 से ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना ऐसी बीमारी है कि कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये जो है चौंकाने वाला विषय है, चिंता का विषय है। और राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं कि दो जिलों में
राजस्थान के महज दो जिलों में दौसा और डूंगरपुर में 600 बच्चे बीमार पड़े हैं, और ये अगर आंकड़ा देखें तो पिछले 10 दिन के अंदर 250 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़े हैं। तो आशंका ये जाहिर की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है क्या, संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि ये थोड़ी डराने वाली खबर जरूर है और सावधान करने वाली खबर भी है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई थी, संक्रमण तेजी से फैला था और अभी भी इस लहर का प्रभाव बना ही हुआ है। पटना के अंदर जिस तरह से तबाही मची थी, मौतें हुई थी, मरीज भी कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में आए थे सामने पटना और पूरे बिहार से, तो अब ये आंकड़ा हालांकि जरूर कमज़ोर पड़ गया है, लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन डरने की ज़रूरत है। और तीसरा लहर जिसकी बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो सामने आता दिख रहा है, तो अभी से बचने की ज़रूरत है, सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के तीसरे लहर की जो चर्चा थी उसका कहीं ना कहीं असर या यूँ कहें आशंका राजस्थान में दिख रही है अभी से ही। तो आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।